2024 के चुनावी संग्राम में कौन किसके साथ होगा, इसकी कवायद तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ किसी साथी का साथ छूट रहा है तो किसी गठबंधन के साथ कोई नया जुड़ रहा है। जयंत कुछ दिनों पहले तक अखिलेश के साथ थे, लेकिन अब मिजाज बदल गए हैं। बीजेपी में जाने की चर्चाएं आम है। दरअसल 80 सीटों वाला देश का सबसे बड़ा सूबा 2024 के लिहाज से दिल्ली की गद्दी को हासिल करने का सबसे बड़ा सेंटर है। इसलिए एनडीए हो या फिर इंडिया, सभी की नजरें यूपी पर टिकी हैं। दोनों ही गठबंधन यहां खुद को मजबूत करना चाहता है। इसी यूपी की सियासत में मायावती भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। एक बड़े वोट बैंक की सियासी मालकिन कहलाती हैं। यही वजह है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी उन्हें अपने पाले में लाने की जोर तोड़ में जुटी है। हालांकि मायावती ने कुछ दिनों पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो 2024 में एकला चलो की राह पकड़ेंगे, लेकिन सियासी दलों को उम्मीद थी कि मायावती का दिल बदल जाएगा। कुछ दिनों पहले ही मीडिया में और सियासी गलियारों में यह भी चर्चा थी कि मायावती कांग्रेस के संपर्क में है, जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इससे पहले मायावती के ओवैसी के साथ गठबंधन की चर्चा भी उठी थी, लेकिन अब खुद सामने आकर मायावती ने सब कुछ साफ कर दिया है कि वो किसके साथ गठबंधन कर रही हैं, कहां जा रही हैं। दरअसल इन अफवाहों और कयासों के बीच सोमवार को मायावती ने एक के बाद एक सोशल साइट एक्स पर लगातार दो पोस्ट किए हैं। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में लिखा है, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना, ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में तमाम दलों को जहां बीएसपी की अहमियत का एहसास कराया, वहीं ये भी कह डाला कि उन्हें अपने लोगों के हित का सबसे ज्यादा ख्याल है। लेकिन अपने दूसरे पोस्ट में जो लिखा है वो ज्यादा स्पष्ट है कि वो क्या करने वाली है। मायावती ने लिखा है, अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। यानी मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, अपने बलबूते लड़ेंगी, और ये उनका अटल फैसला है। मायावती ने अपने लोगों को अफवाहों से सावधान रहने को भी कहा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।